हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज और यह है धीरज होम वर्कआउट। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का वीडियो भी एक रिव्यू वीडियो है और आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है बिग मसल न्यूट्रिशन का क्रूड वे। इसका रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल कि भैया आप एक जेन्युइन रिव्यूअर हो या फिर एक पेड रिव्यूअर। तो देखो, जो भी मैं रिव्यू करता हूँ, आप सब लोगों को पता है, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ वो थोड़ा लेट आता है क्योंकि मैं उसे पहले खुद यूज़ करता हूँ। और जो भी रिव्यू मैं करता हूँ वो मेरे नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। सो प्लीज़ इस तरह के ख्याल निकाल दीजिए कि मुझे किसी ने पे किया है किसी भी रिव्यू करने का। और अगर कभी ऐसा हुआ, हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं है, और कभी ऐसा हुआ कि कोई मुझे पे कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए, तो भी मैं बोल के ही करूँगा। तो चलिए इस क्रूड वे का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। यह है बिग मसल न्यूट्रिशन का क्रूड वे। तो चलिए अब इस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या नहीं है। तो इसका जो हाइलाइट्स है वो है, इसमें आपको एक स्कूप में मिल जाएगा 24 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA, 4 ग्राम ग्लूटामाइन और 0 शुगर। और यह है इसका ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जो कि एक नंबर आपको मिलेगा जो स्क्रैच करने पर दिखेगा आपको। वो आपको एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लेट्स वेरीफाई ऐप, उस पर आपको ये डालनी पड़ेगी। या फिर ये जो नंबर दिया गया है इस पर आपको इस नंबर को SMS करना पड़ेगा, या फिर आप नीचे जो QR कोड है उसे भी स्कैन करके आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है या नहीं। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी प्राइस है वो Amazon पे 750 रुपये में है और यहाँ पर जो MRP है वो मुझे दिख नहीं रही है। और इसके जो अदर हाइलाइट्स हैं वो भी आपको बता दूं, तो इसका जो प्रोटीन है वो अमेरिका से इंपोर्ट किया हुआ है, इसमें सोया एडिड नहीं है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, जो बैंड सब्सटेंस होते हैं वो भी इसमें नहीं डाले गए हैं। और इसके इंग्रेडिएंट में है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 84% और माल्टोडेक्सट्रिन या माल्टोडेक्सट्रिन। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको आगे मैं बताऊंगा कि ये इसमें क्यों ऐड किया गया है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एक स्कूप है वो है 33 ग्राम का, जिसमें आपको कैलोरीज मिल जाएगी 132, प्रोटीन 24 ग्राम, फैट 1.5 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम और शुगर मिल जाएगी आपको 0। अब जो इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो हालांकि यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं की है, लेकिन वो मैं आपको लिए स्क्रीन पर फोटो डाल दूंगा जो कि कंप्लीट है। अब जो टोटल मिला के प्रोडक्ट है वो ये है। अब इसकी मिक्सिबिलिटी और टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। तो अब इसकी मिक्सिबिलिटी भी देख लेते हैं कि इसकी मिक्सिबिलिटी और टेस्ट कैसा है। अब इस पॉलीबैग के अंदर भी इन्होंने एक पॉलीबैग दिया हुआ है जो कि इसे नमी से बचाता है। और ये है, तो ये नॉर्मल पानी है, ठीक है ना। मेरे पास बहुत सारे सवाल अभी भी आते हैं, हालांकि मैं इन सब चीज़ों का जवाब दे चुका हूं कि भैया पानी में ढंग से मिक्स नहीं होता, ठंडा पानी लूं या गर्म पानी लूं, ठंडा दूध लूं या गर्म दूध लूं। तो प्लीज़, अगर आप दूध में पीते हैं तो थोड़ा सा गर्म दूध लीजिए, और अगर आप पानी में पीते हैं तो थोड़ा नॉर्मल पानी लीजिए। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी जो आपको दिख रही होगी कि इसकी जो मिक्सिबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है। तो मिक्सिबिलिटी में थोड़ा सा इशू लगा, थोड़ा सा स्लो मिक्स होता है, थोड़ा ज़्यादा देर तक मिक्स करना पड़ता है। बाकी रही बात डाइजेस्टिबिलिटी की, तो डाइजेस्टिबिलिटी इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइजेस्ट होने में, बहुत अच्छी तरह से और बहुत फास्ट डाइजेस्ट होता है। और रही बात यहाँ पर रिजल्ट की कि भैया रिजल्ट कैसे मिलेंगे, ठीक है, अगर ये प्रोटीन अच्छा है तो हमें आगे जाके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैंने इसे 15-20 दिन यूज़ किया है, तो मुझे कैसे रिजल्ट मिले या फिर मेरी परफॉर्मेंस कैसी हुई, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ेगी अगर आप इसे कंटिन्यू लोगे तो। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट जो है उसके लिए एक छोटा सा लेकिन है, और उस लेकिन के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो पूरा देखना तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आपको जिस तरह के रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी अब रही बात टेस्ट की, तो मैं टेस्ट आपको बता देता हूँ। हालांकि सब लोग बोलते हैं यार टेस्ट का टेस्ट क्यों करते हो आप, हम सबको पता है कि रॉ प्रोटीन है टेस्टलेस होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर कंपनी का एक अलग टेस्ट होता है। और जब से टेस्ट का इश्यू हुआ था 2 साल पहले 2.5 साल पहले, तो उसके बाद
हर कंपनी अपने अपने टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करती जाती है, तो वही चीज़ आपको बतानी है कि पानी में इसका टेस्ट पीने लायक है या नहीं, बस वही चीज़ आपको बतानी है और वही चीज़ मैं बताऊँगा। तो टेस्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया टेस्ट है, आप आराम से इसे पानी में पी सकते हो। सो इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट में माल्टोडेक्सट्रिन ऐड किया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी आप खा रहे हैं, ठीक है, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं माल्टोडेक्सट्रिन की। वॉट इज़ माल्टोडेक्सट्रिन? दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स लाइक शुगर, और ये चीनी की तरह ही एक्ट करता है, और ये एक फास्ट डाइजेस्टिव ड्रग है। इसका GI नंबर 136 है, और जो अदर सिंपल कार्ब्स होते हैं उनका GI नंबर यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर होता है 65-70। तो आप खुद समझ लीजिए कि ये उनसे डबल है, ये उनसे दुगनी तेजी से डाइजेस्ट होता है। और ये कंज्यूम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम डेली इसे कंज्यूम कर रहे हैं। जो भी हमारी जो डेली डाइट है उसमें माल्टोडेक्सिन प्रेजेंट होता है, जैसे आलू है, भुट्टा है, कॉर्नस है, राइस है, चिप्स है, आलू की जो चिप्स होती है वो है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, केक्स है, पेस्ट्री पेटीज, इन सब में माल्टोडेक्सिन होता है। अब ये बनता कैसे? स्पेशली कॉर्न, पोटैटो और राइस, इन्हें हाइड्रोलाइज्ड करने के बाद ये सफ़ेद पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है। और ये किसी भी प्रोडक्ट में ऐड क्यों किया जाता है? उस प्रोडक्ट की थिकनेस बढ़ाने के लिए। अगर वो प्रोडक्ट लिक्विड है तो उससे उसकी थिकनेस बढ़ती है, दूसरा उस प्रोडक्ट का टेस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, और तीसरा उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और चौथा, इससे एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये हमारी बॉडी में जाके क्या काम करता है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमें एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इसकी GI नंबर बहुत ज़्यादा है, 136, और जो अदर सिंपल कार्ब्स होते हैं जैसे चीनी, उनका जो GI नंबर होता है वो 65-70 के आसपास होता है। तो ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और बहुत जल्दी हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड को एक स्पाइक मिलता है और हमें एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है। हालांकि इसकी कैलोरीज सेम है, यानी जो अदर सिंपल कार्ब्स होते हैं उन्हीं के बराबर, यानी कि 1 ग्राम में 4 कैलोरीज, तो इसमें भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज ही होती है। और दूसरी चीज़ जो है वो है, ये आपका वेट गेन करता है, बट एज अ फैट, नॉट एज अ मसल। उसका कारण दो है, एक नहीं दो है। तो सबसे पहला कारण मैं बताता हूँ आपको कि जब भी हमारा ब्लड स्पाइक करता है, ठीक है, तो जब भी हमारा ब्लड स्पाइक कर रहा है और उसके बाद तुरंत नीचे आता है, तो ये एक तरह का सिग्नल होता है हमारी बॉडी के लिए कि वो फ्यूल के लिए प्रोटीन को यूज करे, ना कि कार्ब्स को। और दूसरा, ये आपकी कैलोरी काउंट को बढ़ा देता है। जैसे अगर आप किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो जिसमें माल्टोडेक्सट्रिन है, जैसे ये प्रोटीन पाउडर है, या फिर कोई आप मास गेनर यूज कर रहे हो या वेट गेनर यूज कर रहे हो, उनमें भी माल्टोडेक्सट्रिन प्रेजेंट होता है। आप चाहो तो उसके जो इंग्रेडिएंट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप एक तो इस तरह की चीज़ें ले रहे हो, दूसरा आप जो स्टार्ची फूड खाते हो दिन भर में, उन सब से आपकी जो कैलोरी काउंट है वो बढ़ जाता है, और आपका जो ब्लड स्पाइक है वो भी बढ़ रहा है और फिर नीचे घट रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है जब, तब हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि वो अपने एनर्जी के लिए प्रोटीन को टैप करे, कार्ब्स को नहीं। तो कार्ब्स जो है, जो एक्स्ट्रा कार्ब्स आपको मिले हुए, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिली है, वो एज अ फैट स्टोर होती जाती है आपकी बॉडी में, और अगर आप लिमिट में लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें माल्टोडेक्सट्रिन प्रेजेंट है, वो किस किस को लेना है और किस किस को नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं किसी भी तरह का वेट गेनर, मास गेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाउडर की बात कर रहा हूँ जिसमें माल्टोडेक्सट्रिन प्रेजेंट है। तो अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप दुबले पतले हैं, आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि भैया कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर बताओ जिससे हमारा मसल मास भी गेन हो और हमारा वेट भी गेन हो, तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज़ है, तो प्लीज़ आप इस तरह के प्रोडक्ट से दूर रहिए। और आप वेट लॉस कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट और हैं मार्केट में जो कि जिनमें माल्टोडेक्सट्रिन प्रेजेंट नहीं है,
और मैं तो खुद बहुत बड़ा फैन हूँ बिग मसल का, बिग मसल न्यूट्रिशन का, क्योंकि इसका जो एक आइसोलेट आया था वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और किसी भी तरह का और सवाल हो आपके मन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो नए भाई लोग हैं जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।